आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार ग्रह में जूता नहीं होना चाहिए, तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बाजार की, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते, अरे ओ जगदम्बा, विचार तो करो, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है, पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है, तब में तो वही समय आए। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है, फिर क्यों कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जब मिला दिया आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डाली, नमक ना डाला, फिर भी घर में एक पूरी खाते रहोगे, वहां चार मिनट का क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है, और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से दो बूंद टपका के पहले चक ले रही, बाहर चले जाओ, बाहर चक सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की चन्नी से लेके फिर चक ले, कैसे आए वे अन्नपूर्णा ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरु जी पर शांति नहीं है, हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई, शांति कहां से होगी, इतना किचकिच भरा हुआ है, प्रेम करुणा वात्सल्य का स्नेह समर्पण समाप्त हो गया, तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें दो गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर दो सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी और गुरुवार के दिन, उसका पूजन स्नान करने के बाद करना, पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना, पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले बिना बात करे बिना कहे साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा के बात कर ले और मैं कह जाओ, पर तुम्हें नहीं बोलना, और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह से चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है, जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है हमारा। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया, हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते, जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, वो स्वर्ण दान के बराबर मानने वाला। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया, मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके तब तुम उभरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए, पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके हाउस से उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए, लेपन कर अपनी कामना कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए, अपनी कामना कर
जो तीन उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज, उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज, उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र दिख जाएगी, अपनी कामना के अनुसार दिखेगी, कितने में आपको बेचना अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है, चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है, क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के लिए, वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठा कर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चाहिए, सौदे होने चाहिए, आपको कमीशन मिलना चाहिए। करना आपको है, कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जाना, आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ये प्रैक्टिकल आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो, बहुत सिर दर्द हो रहा है, साथ चावल चने की दाल के दाने लेना साथ, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। दो मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाएगा, टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का सिर दर्द बंद हो जाएगा, टेबलेट से मुक्ति। श्वास होना चाहिए, खुद निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विश्व और दूसरा शब्द है आस, तो विश्व को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में देख, चने की दाल श्री हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कराती है, महाराज को भी चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल का लड्डू चढ़ता है, हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज, शंकर जी, गुरुदेव बृहस्पति जी, जब आपके दिल को बहुत दुख, हृदय रोए, मन कर रहा है कि आज सबने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ दे दी, दिल टूट गया, मन टूट गया, बहुत हताश हो गए, बहुत परेशान हो गए, पर आज मन रो रहा है, कुछ मत करो, एक काम करो, बस केवल एक काम, आंवला हो, बड़ हो, पीपल हो, कोई भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक पत्थर रखकर सामने छोटा सा, उस पर जल चढ़ाकर एक घी का दिया सामने लगा दो और थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का स्मरण कर लो, थोड़ी देर, आपको जितना आपको गम मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिली है, थोड़ी देर, मात्र 5-7 मिनट भी बहुत है, आप घर आओगे ना तो आपको खुशी का स्मरण होगा, तो दुख चला जाएगा, समाप्त, मन में जो दुख है वो थोड़ा कम होगा, हृदय चित्त में परमात्मा शिव सुख प्रदान करेगा, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का, शिव का स्मरण करा दो, आनंद की अनुभूति, सुख का, तीर्थों का स्मरण करा है महाराज, नित्य स्मरण भाव में भगवत चर्चा का। कई लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं हमारा काम नहीं होता, हम बहुत समय से अगरबत्ती लगा रहे हमारा काम नहीं हुआ, हम दीया लगाते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हमने उपास करा हमारा काम नहीं हुआ, हमने चतुर्थी करी पंचमी करी हमारा काम नहीं हुआ, हमारा निवेदन है उसका दरबार मत छोड़, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, सुनेगा, जाओ पहुंचो निवेदन करो, भगवान की केवल दृष्टि ही पड़ गई तो अपनी तो सृष्टि ही समझ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कुछ पूछना नहीं अपन को, गुरु की केवल दृष्टि पड़ गई ना हो गया काम, बस गुरु जी दिख गए, गुरु जी की दृष्टि पड़ गई, भगवान के जाए भगवान का दर्शन हो गया, दृष्टि पड़ गई बहुत, माता पिता की दृष्टि पड़ गई बहुत, घर के बुजुर्गों की दृष्टि पड़ गई बहुत, उसमें अपना काम हो गया, अपने को नहीं पूछना कि क्या मिला क्या नहीं, होते देगा। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए, और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए, फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है।